हे गाइस, एक बार आप सभी का हमारे इस चैनल द छत्रीलाल पर फिर से स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर रोज एक नए नए सेंटर पर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आप लोग वहां तक कैसे पहुंचिएगा। तो आज का ये वीडियो इसी को होने वाला है और आज मैं जाने वाला हूं बरुईपुर में, तो आपको वहां बताऊंगा कि आप लोग वहां कैसे पहुंचेगा। और अभी मैं फिलहाल सियालदह स्टेशन पर हूं। आप लोग देख रहे हैं सियालदह स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 17 नंबर पर भी ट्रेन लगा हुआ है। तो आप जब भी यहाँ से जाइएगा ना, तो आपको ट्रेन साउथ लाइन में आइएगा सियालदह का, किसी से पूछिएगा सियालदह का साउथ लाइन, और वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगा जो बरुईपुर जाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। और अभी देखिए बरुईपुर का ट्रेन लगा हुआ है, 6:02 में ये खुलेगा। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको सब कुछ बताएँगे कि आप लोग वहाँ तक कैसे जाइएगा। तो आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं हम लोग। लेडीज़ बोगी है, इसको छोड़ते हैं, अपना इधर जेंट्स बोगी चढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग सीट भी बहुत खाली है, सुबह का टाइम है। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं यार, ट्रेन का रूट फाका है, टेंशन की कोई बात नहीं है, सीट वोट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सुबह का ये ट्रेन जो है 6:02 में स्टार्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ से देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें सियालदह से बरुईपुर जो स्टेशन है जंक्शन जाने में कितना टाइम लगता है। गाइस जब ये ट्रेन सियालदह से खुला तो वहाँ से आपको चीज़ बता दें, उसका पहला स्टॉपेज था पार्क सर्कस, उसके बाद से एक क्या स्टेशन था मुझे याद नहीं आ रहा, तो उतना बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको चीज़ बता देते हैं कि आप जब भी बरुईपुर जाइएगा तो ये ट्रेन में अनाउंसमेंट करते हैं कि कहाँ पे अगला स्टॉपेज क्या आने वाला है, तो आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। और आप जो बरुईपुर जंक्शन है आप आराम से वहाँ उतर जाइए, और वहाँ से उतरने के बाद मैं आपको वहाँ से सेंटर तक लेकर चलूँगा, बताऊँगा कैसे कैसे वहाँ तक। तो गाइस देखिए ये है बरुईपुर जंक्शन, आप ट्रेन से जब उतरिएगा, मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतरे, 2 पे उतरने के बाद उस साइड में 1, ये 2, ये 3 और 4 उस साइड का। तो आप जब भी आइएगा ना, एक सामने देखिए अपना इंडियन का जो अपना फ्लैग है वो सामने दिख रहा है, तो हमें इधर नहीं जाना है, आप इस साइड में चलिएगा इधर में, और हमें प्लेटफॉर्म नंबर 4 के तरफ से निकलना है बाहर। आपको बता दें कि एक यहाँ पर एक और भी रूट है, जो उधर से जाइएगा तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस भी बढ़ जाता है और किराया भी लग जाएगा ज़्यादा। आप एक काम करिएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 के तरफ में उस साइड में हम निकलेंगे, उधर साइड में। और सामने से आपको दिखाते हुए चलते, एक फ्लाई ओवर देख रहे हैं। तो हम इधर से बहुत से लोगों से जब पूछे गार्गी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाना है, तो बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे। आप यहाँ पर जब भी आएँ तो GMIT कहिएगा, GMIT कॉलेज कहिएगा, तो आपको कोई भी बता देगा। तो जब हमने यहाँ से पूछा तो हमको बताए ये लोग, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड से यहाँ से हम लोग उस साइड जाएंगे, टोटो अगर ऑटो हमें सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से। तो वहाँ से चलते हैं, आपको सेंटर पर ले चलते हैं और बताएंगे कि वहाँ आप लोग कैसे पहुँचिएगा। तो यार हम लोग इधर से निकलते हैं, ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो है, ये 4 इस साइड से, यहाँ से किनारे से हम लोग निकलते हैं। समझ लीजिए कि आप जब सियालदह से आइएगा ना, तो जिधर से आपका सियालदह से आ रहे हैं तो आपको सियालदह की तरफ मुंह कर लीजिएगा फिर, और इधर साइड से बढ़ना है हमें। तो ये रास्ता है इधर का, अच्छा ही रास्ता है, कोई ख़राब नहीं है। ये प्लेटफॉर्म और हम लोग इधर से जा रहे हैं इस साइड से, उधर में रोड है, तो आप लोग देख लीजिए ये सब। क्योंकि अभी जो बहुत सारे लड़के यहाँ मिले थे तो काफ़ी वो लोग परेशान से खोज रहे थे, बट मैं उन्हें बताया कि मेरे साथ चलो मैं रास्ता दिखा देता हूँ, तो उनको लगा कि मेरा टाइम लेट हो जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, जब आप लोग आइएगा यहाँ पर तो आप लोग देखते हुए चलिए कि कैसे जाना चलना है आपको, टाइम का सेव कैसे होगा। क्योंकि उधर से एक रूट है ना 3.6 किलोमीटर दिखा रहा था, और एक रास्ता इधर से है जो हम यहाँ से जाएंगे तो 1.9 यानी इधर लीजिए ना, मान लीजिए कि आपको 2 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो देखिए ये इधर में एक लाल बिल्डिंग है, ये वाला, इधर से जब आइएगा आप लोग, ये प्लेटफॉर्म है इधर से, और हम इधर आ गए, सियालदह की तरफ मुंह करके चलना है। तो अब ये रास्ते से होते हुए हम लोग इधर से निकल रहे हैं, ये दुर्गा पूजा का पंडाल है, पूजा हुआ होगा, खैर ये कुछ दिन के बाद हटा दिया जाएगा, इसको मतलब लैंडमार्क मत लीजिएगा आप। ये सिर्फ लाल वाला जो बिल्डिंग था, ये देख रहे हैं ना, स्टेशन से होते हुए इधर से हम जैसे आए, इधर से आना है, कितना दूर चलना पड़ा ये कितना होगा आपका, 150 मीटर ये रोड आ गया यहाँ पर। और एक यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है, और पीछे हनुमान जी का मंदिर है, और ये देखिए सामने टोटो वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग टोटो लेकर
सेंटर चलते हैं और आप वहाँ जाइएगा ना तो सिंपल से यहाँ पे एक बात बोलिएगा GMIT कॉलेज जाना है। अगर आप गार्गी मेमोरियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कहिएगा तो कोई नहीं बताएगा जल्दी, आप सिर्फ GMIT कहिएगा, आपको यहाँ पे सब कोई रास्ता बता देगा। और यहाँ पे टोटो लगा हुआ है और यहाँ से हमें टोटो से लेते हैं और चलते हैं सेंटर, और वहाँ पे जाने के बाद आपको सब कुछ बता देंगे कि बाहर से आप लोग जो आ रहे हैं तो कैसे यहाँ तक। तो गाइस अभी अपना टोटो से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो बता दें आपको यहाँ से वही 10 मिनट का टाइम लगेगा आपको सेंटर तक पहुँचने में, और यहाँ से करीब वही आपका 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ जाएगा यहाँ से सेंटर। तो टोटो स्टार्ट है और 10 मिनट लगेगा यहाँ से सेंटर पहुँचने में, और फिर मैं आपको दिखाते हुए रास्ता चलता हूँ इधर का। तो गाइस जब भी आप यहाँ पे आए तो घबराने की कोई बात नहीं है, देखिए ये रहा, इधर जाना है अंदर हमें, तो आपको टोटो यहीं पर उतार देगा, और उतरने के बाद देख लीजिए ये देखिए एरो बना हुआ गार्गी मेमोरियल इंस्टीट्यूट, और आप यहाँ आने के लिए GMIT ही कहिएगा ताकि उनको समझने में दिक्कत नहीं होता है, जल्दी वो समझ जाएंगे। लग रहा है MTS का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट सब है यहाँ पर खड़े हुए हैं। सो गाइस आप लोगों ने अपना सेंटर देखा, सेंटर आपको दिखा दिया कहाँ पर आप लोग का सेंटर है, तो चलिए मैं आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप लोग कैसे पहुँचेंगे सेंटर पे। आने के लिए जो हमारे दोस्त जो बाहर से आ रहे हैं अन्य राज्य से, अपने जो भी वेस्ट बंगाल में एग्ज़ाम देने आ रहे हैं बाहर से, तो उनके लिए बता दें आप सबसे पहले कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में 3 ही स्टेशन है जो मेन है, एक सियालदा है, एक हावड़ा है और एक कोलकाता जिसे चितपुर के नाम से भी जाना था, ये 3 स्टेशन है यहाँ का मेन है। तो आप कहीं से भी आते हैं तो आप हावड़ा सियालदा या चितपुर कहीं भी उतरिए, अगर आप हावड़ा उतरते हैं तो हावड़ा उतरने के बाद वहाँ से आपको बस मिल जाएगा C26, ये जो बस है आपको यहाँ बरुईपुर आता है, तो मैं आपको कहूँगा कि वहाँ से आप सिंपल से बस लीजिए और सियालदा स्टेशन आ जाइए हावड़ा उतरने के बाद, हावड़ा उतरिए और सियालदा आ जाइए बस लेकर, आपको 15 रुपये किराया है और आप लोग कितना 15 से 20 मिनट लगेगा, अगर ट्रैफिक क्लियर रहा तो सही है जल्दी पहुँच जाएंगे, वरना थोड़ा सा इस टाइम लग सकता है इस तरह का। तो सियालदा आने के बाद सियालदा आ जाइए और वहाँ से किसी से भी पूछिए हमें साउथ रूट में जाना है, साउथ वाले रूट में, तो आपको प्लेटफॉर्म 15, 16, 17 और 18, 19 ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से बरुईपुर आने के लिए आपको लोकल मिल जाएगा, लोकल बता दें लक्ष्मीकांतपुर लोकल है, डायमंड हड़बड़ है, इसके अलावा बरुईपुर लोकल है और एक और है नामखाना लोकल, ये 4 जो लोकल है ये बरुईपुर होकर ही जाता है, और यहाँ पे आप आराम से उतर जाइए। और आप लोगों ने देखा कि हम उतरने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गए और 4 के तरफ से साइड से बाहर निकले हनुमान जी का मंदिर, और वहाँ से टोटो ले लिए, टोटो वाले हमें 10 रुपये लिया, और बता दें यहाँ पे 1.9 किलोमीटर है ये सेंटर, तो आपको 10 मिनट ही लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।